जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए या ग्रेजुएशन के बाद आज के समय के टॉप 5 कोर्सेज की। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आज के समय में कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कैरियर ऑप्शंस हों, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, यदि हम पांचवें नंबर पर बात करें तो साथियों, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है और आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। 6 महीने या 1 साल का अपना डिप्लोमा कोर्स करके जॉब पा सकते हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग में आप कर सकते हैं, या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप अपना डिप्लोमा कोर्स करके जॉब पा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हैं आप, एनिमेशन में कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे आज की डेट में डिप्लोमा कोर्स है, तो डिप्लोमा कोर्स करके आप अपनी जॉब पा सकते हैं। बात करेंगे साथियों जो 4th नंबर पर कोर्स है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लिंक मैंने आपका जो फर्स्ट कमेंट बॉक्स है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब बात करें साथियों 4th नंबर पर जो मैंने रखा है, आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप LLB कर सकते हैं। आज की डेट में LLB के बाद में जो कैरियर स्कोप है काफी अच्छा है, ग्रोइंग कोर्स है। LLB के बाद में आप PCSJ का एग्जाम दे सकते हैं, आप कंपनी के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप अपना क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यानी कि आप LLB करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आज की डेट में जो स्कोप है काफी अच्छा है। बात करें साथियों तीसरे कैरियर ऑप्शन की, तो साथियों तीसरा कैरियर ऑप्शन है आप क्या कर सकते हैं, अपना BEd कर सकते हैं। यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना BEd कर सकते हैं। यदि आपको टीचर बनना है या आपका एजुकेशन की फील्ड में आपको अपना काम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना BEd कर सकते हैं। BEd करने के बाद में काफी अच्छे जॉब ऑप्शन हैं, तो आप BEd करके अपना करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों दूसरे कैरियर ऑप्शन की, तो दूसरा कैरियर ऑप्शन है साथियों आप क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। MBA आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है। MBA HR से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, IB से कर सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा है और इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है, तो वो क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। MBA करने के बाद में जो सैलरी पैकेज है काफी अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा जो आप MBA करें किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही आप करें, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। इससे आगे बात करें साथी, जो 1st नंबर पर मैंने कोर्स रखा है वो है आपका, आप क्या कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, यानी कि जैसे आपने BA किया है, तो आप अपना उसी फील्ड में क्या करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। जैसे कि आपको इंग्लिश का लेक्चरर बनना है तो आप इंग्लिश से क्या कर सकते हैं, MA कर सकते हैं। यदि आपको, आप साइंस साइड से हैं, आपने अपना PCM से BSc किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना MSc कर सकते हैं, मैथ से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है, या जिस भी सब्जेक्ट में आगे आपको करियर बनाना है, उस सब्जेक्ट से आप अपना MA या आप MSc या फिर MCOM करके करियर बना सकते हैं। आपका जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, UGC NET का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आपका UGC NET का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप PGT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आप PGT का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी फील्ड में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप उस फील्ड में अपना क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है या किसी कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथियों आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।